बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तआला का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करती हूँ तमाम मेरे बहन भाई खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैं सेवइयाँ बनाने लगी हूँ, तो देखें मैं वो कैसे बनाती हूँ। बटर लिया है, उसे मेल्ट होने देती हूँ। बहुत ही सिंपल आसान से सेवइयां बनाने का तरीका है। ये जो बटर डाला था वो मेल्ट हो गया है। अब इसमें इलायची पाउडर डालने लगी हूँ। इसमें मैं रखा है इसमें थोड़ा सा बिल्कुल सांबती है। एक पैकेट मछलियों का लेने लगी हूँ, ये वाली मछलियाँ ले ली थी। साइज करके अच्छी तरह मैं भूनेंगे। अच्छा, हाफ लीटर पानी का मैं ऑन कर देती हूँ। तो देखिए सही भून गई है, मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट में भुना है। अब इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, ये वाला 1 केटल मैंने पूरा पानी का इसमें डाला है। ये वाला इसका पानी कुछ होने देते हैं, फिर इसमें मीठा शामिल करेंगे चीनी। इसका पानी कुछ होने देते हैं। ये देखिए, अल्लाह ताला की कुदरत देखेंगे कितना अच्छा बना हुआ है। अल्लाह ताला की हर नियामत देखें। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मुझसे ये काटा नहीं जाता। मेरे हस्बैंड मुझे काट के देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये वाला पसंद है, पाइनएप्पल। स्पेनिश में इसे पीनिया कहते हैं हम। ये देखिए, इसमें पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा रहता है। मैं इसमें चीनी शामिल करने लगी हूँ। आप अपने हिसाब से चीनी शामिल करें जितना आपको मीठा पसंद है। मैंने 1 कप चीनी का इसमें शामिल किया। आपकी मर्जी, आप इसमें जो चीज़ चाहे शामिल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ते, सागी वगैरह। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं शामिल किया। तो आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, चावलों की तरह इतना पानी हो तो इससे दम देना है। गैस थोड़ा कर देंगे आप इसका और इसे दम दे देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे मैंने दम दे दिया, गैस भी थोड़ा कर दिया है। 15 मिनट के बाद फिर मैं दिखाती हूँ ये कैसे बनी है। जब तक मैंने सेवइयां का दम दिया, मैंने आपको ये स्प्रे बतानी थी जो मैं लेकर आई हूँ गार करने के लिए। क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा स्मेल सी खानों की खुशबू वगैरह हो जाती है। तो इसके साथ ये देखें, एक ये वाली लेकर आई हूँ।
ये कल शॉपिंग करने के लिए गई थी तो लेकर आई हूँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, एक ये वाले। इसके साथ खाना जब घर बनाए, पता है इधर घर बंद होते हैं कमरे तो खाने की बहुत ज़्यादा खुशबू सारे घर में आना शुरू हो जाती है, तो ये लेकर आई हूँ। खाना बनाने के बाद ना इसे घर में ना कर देते हैं तो इसके खाने की जो खुशबू है सारे घर में आती है वो ख़त्म हो जाती है इसके साथ। आप भी ट्राई करके देखें, आपको भी ये वाली पसंद आएंगी। देखिए मैंने सेवइयाँ बनाने के लिए रखी हुई है, तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश आ गई है कि पकौड़े बनाओ, तो अब पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो देखिए मैं कैसे पकौड़े बनाती हूँ। फिर सर्दी है, सर्दियों में दिल आ जाता है कभी कोई चीज़ खाने का, कभी कोई चीज़ खाने का, मज़े की कोई चीज़ हो तो सर्दी हो तो पकौड़े ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो चलें पकौड़े बनाती हूँ, मसाला तैयार करती हूँ पहले। ये देखिए मैंने एक प्याज काटा है, एक आलू काटा है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची मैंने काटी है। तो 15 मिनट हो गए सेवइयों को दम दिए हुए, तो अब भी नहीं देखती हूँ ये कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हो गई है, जैसे चावलों को दम देते ऐसे दम दें। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अभी मैं प्लेट में डाल के आपको बताती हूँ। ये देखें सही तैयार हो गई है, मैंने प्लेट में डाल के आपको बताएंगे। ये देखें जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी जब सेवइयां बनाती थी तो वो इतना मज़ा आता था हाथ के साथ खाने का, ऊपर शक्कर डाल के, तो हाथ के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। आजकल तो हाथ के साथ खाएं तो मजाक बनाते हैं बच्चे भी कि मम्मा आप हाथ के साथ खा रही हैं, चम्मच के साथ खाओ। आप बताएं आपके साथ भी ऐसे ही होता है? तो मेरी आज देखें आपको मेरे ऐसे चेक करें सेवइयां, इंशाल्लाह आपकी भी अच्छी बनेंगी। ये कटे हुआ हरा धनिया, हरी मिर्ची में इसमें शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच मिर्ची डालने लगी हूँ, तरफ की मिर्ची साबुत जो होती है वो, और एक चम्मच सूखा धनिया ना मैंने पीस लिया था मोटा मोटा वो शामिल करने लगी हूँ। आधी चम्मच नमक, आप अपने हिसाब से नमक डालें जितना आपको पसंद है, और ये बेसन इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, तकरीबन 1 कप का होगा बेसन। 1 कप बेसन का है वो इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक ख़त्म हुई थी, थोड़ी सी कटी हुई फ्रीज हुई पालक थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। फ्रेश पालक का मज़ा ही कुछ है, पर वो गार ख़त्म हुई थी तो इस वजह से मैं फ्रीज हुई थोड़ी सी पालक थी वो इसमें शामिल करने लगी हूँ। मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और साथ हाथ की मदद से मैं इसे अच्छी तरह गूंद लूंगी बेसन को। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मुझे पकौड़े पसंद है, पर ज़्यादा जो इसमें पालक होती है वो वाले पसंद है, पर आज मेरे घर पालक ख़त्म हुई थी तो हस्बैंड का दिल भी था पकौड़ों वाला, तो फिर इसलिए मैंने बनाने लिए, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ आज पालक के बगैर ही। ये देखिए
एक कप पानी कम पड़ा है, इसके अंदर शामिल हुआ है। जब तक तेल गरम होता है मैं चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने इधर शामिल किया सूखा पुदीना, इसके अंदर मशीन के अंदर डाला है। ये 4 से 5 मैंने सब्ज मिर्चें डाली हैं, एक मोटी सब्ज मिर्च वो इसमें शामिल कर दूंगी। और ये धनिया मैंने धो के रखा है तो वो इसमें सारा शामिल करूंगी। और इसमें 1 चम्मच योगर्ट की, 1 चम्मच डालने लगी हूँ। आप अपने हिसाब से नमक डालें जितना आप खाते हैं खाने में। अब इसे मैं बना लेती हूँ। चटनी तैयार हो गई है, तेल भी गर्म हो गया, तो इसमें मैं पकौड़े शामिल करती हूँ। पकौड़े तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, पर मुझे अपनी अम्मी के हाथ के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका मज़ा ही कुछ और है। माँ के हाथ का तो वैसे भी जो टेस्ट है वो मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी मुँह के अंदर रहता है कि माँ के हाथ की कोई चीज़ खाई है। वो माँ का प्यार जो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो भी चीज़ बना के रखे ना तो वो इतनी मज़े की होती है। आप भी मेरे बयान कर रहता है कि आपको भी आपकी अम्मी की याद आती होगी जो मेरी तरह परदेश में अपनों से दूर है। तो उन्हें तो हर वक्त अपनी माँ की या बाप की याद आती है कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें लम्बी जिंदगी सेहत वाली जिंदगी दे सबके माँ बाप को। आमीन। तो देखे मैंने सारे पकौड़े इसमें शामिल कर लिए।
एक दो हाई मैंने सारे डाले क्योंकि मेरी कढ़ाई बड़ी थी तो मैंने सारे इसमें शामिल कर लिए। ये देखिए आप कोड़े तैयार हो गए। ये देखिए मेरे पकौड़े तैयार हो गए और चटनी भी तैयार है। अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।